तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बता रहा हूँ, दिल्ली का लेबर कार्ड यहाँ पर रिन्यूअल आगने आपने किया है या आपने अप्लाई किया है तो आपका लेबर कार्ड बहुत पुराना हो गया, बहुत दिन हो गए, आपको महीने हो गए, आपका लेबर कार्ड 2 से 3 या 4 या 6 महीने भी हो गया है, लेकिन आपका लेबर कार्ड अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपको क्या करना हो, कैसे आपका अप्रूव क्यों नहीं किया जा रहा है, आपको इस वीडियो में पूरा लाइव आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं। दोस्तों अगर दोस्तों आप ये काम करते हैं तो आपका 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, आपका लेबर कार्ड 7 से 8 दिन में ही अप्रूव कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको लाइव में प्रूफ भी दिखाने वाला, मेरा लेबर कार्ड अप्रूव कर दिया गया है, मैंने ये ट्रिक अपनाई है। तो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपको भी यहां पर ये ट्रिक आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। पहले आपको प्रूफ दिखाता हूं, नहीं तो आप यकीन नहीं करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्टेटस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालता हूँ, उसके बाद आवेदन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे तो यहाँ पर एप्लीकेशन हमारा स्टेटस यहाँ पर शो हो गया और एप्लीकेशन हमारा अप्रूव कर दिया गया है। यहाँ पर हमारा नाम भी दे सकते हैं, शो हो रहा है। दोस्तों अगर आप भी इस तरह लेबर कार्ड को 7 से 8 दिन में अप्रूव करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये काम करना होगा। दोस्तों आप ये गलती कर देते हैं तो अभी आपका लेबर कार्ड 6 से 8 महीने हो गया है लेकिन अब अप्रूव नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ आपको क्या सुधार करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, सारा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो भी नया अप्लाई करते हैं या रिन्यूअल करते हैं, ये वीडियो सभी के लिए, सभी को यहाँ पर ये काम करना होगा। चलिए यहाँ पर और भी आपको लाइव दिखा देते हैं प्रूफ के साथ, दोस्तों आपको यकीन हो जाए। लाइव प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करके यहाँ पर आपको स्टेटस भी दिखा रहा हूँ उसका। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा है लेकिन इसको मैं ब्लर कर रखा हूँ। और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पर 21 अक्टूबर को यहाँ पर डेट है, यहाँ पर अप्लाई किया गया था। और यहाँ पर टाइम भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर नवीनीकरण का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, नवीनीकरण के लिए आवेदन। और दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल करके हम यहाँ आते हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन हमारा स्वीकृत कर दिया गया है, यानी अप्रूव कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको इसका स्टेटस भी, आपको यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ईमेल पे भी हमारा देख सकते हैं, यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है, ईमेल पे भी हमारा सर्टिफिकेट आ गया, भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट है 29 अक्टूबर को। चलिए पीडीएफ आपको ओपन करके दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट को जनरेट कर दिया गया, आइडेंटिटी कार्ड इसे बोला जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर मैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए यहाँ पर इसको ब्लर करके रखा हूँ, यहाँ पर ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको भी अप्रूव करना होगा, तो क्या आपको काम करना होगा, चलिए आपको बताते हैं यहाँ पर क्या क्या कमियां आप में है। मैंने एक कस्टमर का यहाँ पर स्टेटस को चेक किया और इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बहुत से यहाँ पर जो भी लेबर कार्ड श्रमिक है उन पे यही प्रकार की यहाँ पर दिक्कत आ रही है, उनका एप्लीकेशन है यहाँ पर डिफेंस का ऑप्शन आ रहा है। कि दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसको कैसे सुधार करना पड़ेगा। दोस्तों इसकी वजह से आपका लेबर कार्ड अटका हुआ है, 6 से 3 महीने या साल भर भी हो गए लोगों का, लेकिन अभी अप्रूव नहीं किया गया है। यहाँ पर नई वेबसाइट पर अप्रूव होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों इस कमी को कैसे आप सही करें, कैसे जानेंगे, कैसे सही करेंगे और कैसे अप्रूव आपका होगा 7 से 8 दिन में, चलिए आपको बताते हैं। अगर इस प्रकार से आप में भी आया हुआ है, अगर लेबर कार्ड रिन्यूअल किया है या अप्लाई किया है तब भी आपको देखने को यह मिलता होगा, तो आपने ये काम कैसे सही करना है चलिए आपको बताते हैं यहां पर वेबसाइट पे चल के। आपको वेबसाइट पे आ जाना है लेबर कार्ड की न्यू वेबसाइट पे। अब यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जिन लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ आता है तो हिंदी में इस वेबसाइट को चला सकते हैं और यहाँ पर फॉर्म को सही कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर हिंदी में रहने देते हो। और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को आपको फिल करना होगा। अब यहाँ पर जो कैप्चर दिख रहा है इस बॉक्स में फिल करना है, लॉगिन कर लेना है। चलिए हम लॉगिन करके आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर स्टेटस आपको शो होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस में आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन में कमियां हैं, इस कमियों को कैसे दूर करना पड़ेगा, क्या आपको कमी है यहाँ पर कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर चलिए हम इस पे आपको एप्लीकेशन नंबर जो दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट वेबसाइट पे ही आपको बताता है कि आपके आवेदन में क्या कमियां हैं, यहाँ पर रेड कलर में आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इनके में क्या कमी है, इनके में कमी है नियोक्ता द्वारा यानी ठेकेदार द्वारा जो भी दर्ज किया गया सबूत है सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म, उसके यहाँ पर जो भी आपको जो विवरण है वो अमान्य है यानी मान नहीं किया गया है, तो आपको उस विवरण को सही करना पड़ेगा। या तो आपको यहाँ पर जो भी आपने अपलोड किया है वो ब्लरिंग होगा या तो सही से क्लियर नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है आवेदन में कमियां हैं। तो आप जो भी पीडीएफ को या जेपीजी को अपलोड करें वो भी आपको ठीक से क्लीन दिखाई देना चाहिए, उसकी वजह से आपको भी देखने को मिलता है यहाँ पर ये कमी है। इस कमी को आपको सही करना होगा, यहाँ पर दोबारा से इस कमी को पूरा सही से जो भी डिटेल है ठेकेदार की वो आपको सही करना होगा। सही करने के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मिटाने के लिए ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों अगर मिटाना चाहते हैं, दोबारा से फिल करना चाहते हैं तो आपको मिटाने ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं।
अगर दोस्तों आप देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप दोबारा से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें सही कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप में भी और अलग अलग कोई टिप्पणी हो सकती है दोस्तों, ये सेम नहीं हो सकता है, आप में कोई अदर कमी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर सेम जो तरीका है यही आपको शो होगा। यहाँ पर डायरेक्ट आपको वेबसाइट पर बताएगा कि आपके आवेदन में क्या कमियाँ हैं, उस कमी को आपको सही करना पड़ेगा, तभी आपको रिसबमिट करना पड़ेगा दोबारा से। रिसबमिट कैसे करते हैं इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो आपको बना रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो आप देख लेना इस फॉर्म को कैसे सही करते हैं। तो इस प्रकार से आपका लेबर कार्ड, इसी वजह से आपका लेबर कार्ड में अप्रूव नहीं किया जा रहा है, इसी वजह से बार बार आपको रिसबमिट का डिफिनेशन का फॉर्म यहाँ पर आवेदन में कमी है, इसी वजह से आपको शो हो रहा होगा। तो आप दोस्तों ये काम कर लीजिए दोस्तों, 100% आपका गारंटी के साथ बोला दोस्तों, आपका लेबर कार्ड अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आप ये सुधार नहीं करते हैं तो आपका लेबर कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जल्दी से ये काम कीजिए, जिनमें भी अगर ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो जल्दी से सुधार करिए और आपको दोबारा से रिसबमिट करिए। दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय।